Hello, welcome to the stream everyone. Thank you for joining and here we are back with a new quick match. और यहाँ पे price pool and rule and regulation कल जिससे सेम ही रहने वाले हैं. जो न्यू यूजर अगर कोई हो, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप लोग पूछ सकते हो मुझे एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू यू गाइज. बाकी ऑलरेडी 28 बंदे आ चुके हैं, मैच बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे. स्टार्ट कर ही रहा है शायद. ये क्या चूतिया है. और एक बार बता दो अगर किसी को ये डाउट होगा ना कि स्ट्रीम स्नाइप हो सकता है कुछ भी, स्ट्रीम काफ़ी डिले है. ठीक है, मैंने एटलीस्ट लाइक 50 सेकेंड से ज़्यादा डिले रखा है एंड एट द सेम टाइम टर्निप एंड यूट्यूब का भी डिले, डिफॉल्ट डिले जो होता है वो ऐड हो ही जाते हैं. सो यू गाइज, आई होप यू गाइज नो दैट एंड सिला नंबर उस बात को लेके. ठीक है, एंड जो भी यहाँ पे आए हो, न्यू या हाय या गुड मॉर्निंग लिख दो, कुछ भी लिख दो तो मुझे अच्छा लगेंगे एक्टिविटीज़ देख के. आई मे डू मिनट. आई थिंक जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे मैच. दो तीन बंदे यहाँ पे की क्यों हुआ मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी. तो गाइस मैं 2 मिनट के लिए म्यूट जा रही हूँ. ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए, मुझे नहीं पता नुस्खा क्यों लगा, बट ठीक है. सर ज़्यादा बंदे हो गए इसी वजह से हो सकता है नुस्खा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. सो मैं थोड़ी देर के लिए या 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे म्यूट कर रही हूँ. ठीक है, मैं स्टार्ट हो जाऊँ. नहीं मतलब यही सब करना था तो पहले स्टार्ट कर देते. दूसरा तो डाउनलोड थे भी नहीं बंदों के. गाइस अगर यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएंगे तो आई एम सॉरी अबाउट दैट. ठीक है, और ऋषि नेक्स्ट मैच आ जाएंगे ना, जो पहले ज्वाइनिंग किया उन लोगों को करा दो मैच. इनके धोई हुए ना, जो पहले ज्वाइनिंग थे उन लोगों को करा दो. लिविक करा दिया, टाइम वेस्ट मत करो, करा दो ना.
बाद में जाके ऑलवे पे नहीं लगना था तो क्या। पूरा मस्त हाई टका कौन जन का ना है बेकार है कर की कोला बजे बजे रे ভুল বিনা খেলে ভালো সিজে যায় ভাই। ফির সে ক্যা হুয়া স্টার্ট কর দো, জো ভি হোগা দেখা যায়গা। তারপর সরি মাঙ্গি থাকলে না ডাঙর আসলে হয় না। हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम एवरी वन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और यहाँ पे फर्स्ट मैच फाइनली शुरू होते हुए शायद दो मैच होंगे ऋषि के क्लब में, और ये लाइव भी मैं चालू रखूँगी रात के टाइम पे भी सेम ही लाइव पे। और जो भी लाइव पे ज्वाइनिंग हो जल्दी जल्दी अपना अटेंडेंस लगा दे जाओ। मैं यहाँ पे खाना खा लूँ, मेरे को 2 मिनट लगेंगे फ्री होते हुए, तब तक आप लोग खेलो आराम से, ठीक है। और मुझे किसी का चैट नहीं दिख रहा, आराम से चैट करो जल्दी जल्दी। ये तो मैच कोरिया ही मैं मजा ढूंढ जामी दे हुन जाने बोलो हुन जाने पानी छिन है मन में ढूंढ में बहुत ही सा पानी छिन है बा। यहाँ पे वी हैव 14 इन टीम एंड 27 इंडिविजुअल, सो देखते हैं कि यहाँ पे ये जो मिल्टा पावर वाला जोन बना है क्विक मैच में, यहाँ पे कौन सी टीम का क्या सीनरी रहेंगे। और मैं फिर से एक बार बता दूँ देखने वालों को, यहाँ पे स्ट्रीम स्नाइप का कोई सीन नहीं चलने वाला, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा डिले लग जाएंगे, 1 मिनट नहीं भी लगेंगे तो एटलीस्ट 50 मिनट सेकेंड का तो है ही, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। लेकिन बहुत देर एक जगह पर बैठोगे तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड क्लब एंड कर सकता हूँ मैं, आए गेम बंद करा वरना ग्लिच कर दूंगा, आए ठीक है भाई। अबे टीम्स की बात किया जाए तो टीम 11 के साथ टीम 4 के क्लैश शायद हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टीम 11 के विलेन जो है वो ऑलरेडी नॉक एंड फिनिश हो चुका है, ही वॉज द फर्स्ट वन टू गेट एलिमिनेट। और यहाँ पे निंजा गॉड वाईटी की बात किया जाए तो यहाँ पे निंजा गॉड वाईटी के द्वारा एक भाई, ये तो बिल्कुल टॉक्सिक। प्रे करो कि मेरे वाईफाई आ जाए जल्दी जल्दी भाई, ऐसे मैं कैसे कंटिन्यू करूंगी। डी नहीं खराब चल रहा है, आवाज आ रही है क्या स्ट्रीम पे अभी भी जाते, ठीक है। यहाँ पे आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने वाले स्ट्रीम पे, बट ठीक है। यहाँ पे किल शोर मिस्टर से एक वाईटी की बात किया जाए तो यहाँ पे एक किल के साथ आगे जाते हुए ये टीम हमें नजर आएंगे। वी स्टिल हैव 15 इंडिविजुअल एंड 10 टीम। मिस्टर नुब्रा वाली टीम की बात किया जाए तो यहाँ पे मिस्टर नुब्रा आई मीन आदित्य, ये तो अलग है सर, ये मिस्टर नुब्रा आदित्य है क्या, मैं भूल जाती हूँ यार बार बार, मेरे को याद दिलाया करो ठीक है। एंड सॉरी फॉर द लो लाइक लो क्वालिटी गाइस,
यहाँ पे रैम्बो गॉड की बात किया जाए तो पिस्तौल के द्वारा भाई अभी भी लूटा नहीं क्या बंदे ने। और यहाँ पे रेक्स गेमर पता नहीं क्यों सो के बैठा है, बट ठीक है आप तो डैम उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। और सामने यहाँ पे टीम फाइव के सारे फायर आमने सामने का फायरिंग इसमें देखने को मिलेंगे, बट इट्स नॉट ए प्रॉपर आमने सामने का फायर एक्चुअली, क्योंकि बंदे के पास भाई पिस्तौल है और निंजा गॉड यहाँ पे यूएमपी वाले एक कॉम्बो के साथ आते हुए हमें नजर आएंगे। निंजा गॉड की बात किया जाए तो ही हैव मिनी 14 एंड यूएमपी, और यहाँ पे टीम सेवन के बंदे भी पीछे बिल्कुल अपना एसेंशियल लूट के साथ खड़े होते हुए हमें नजर आएंगे। तो लेट्स सी यहाँ पे लूसीफर की बात किया जाए तो लूसीफर के द्वारा प्रॉपर 1v2 का सीनरियो हमें देखने को मिला, बट इसी के साथ अभी भी फाइट एंगेजमेंट जारी है, ख़त्म तो हुआ नहीं। सामने टीम 13 हमें देखने को मिलेंगे और यहाँ पे टीम 13 को एलिमिनेट करने के बाद ही हैव सिक्योर 2 किल इंडिया अकाउंट। और यहाँ पे जो डूड वाला था लूसीफर के जो टीम में थे वो ऑलरेडी नॉक एंड फिनिश हो चुका है। यहाँ पे टीम 12 की बात किया जाए तो टीम 12 तो स्पॉट है, एसेंशियल लूट किसी भी टीम के पास कम्प्लीटली तो है नहीं। मिस्टर से एक वाइटी की बात किया जाए तो जोन के बाहर एक नॉक आते हुए हमें नजर आएंगे, इसी के साथ साथ उसका सफ़र शायद ख़त्म हो जाएंगे किल शोर, लेकिन सामने आते हुए नजर आएंगे। अभी तक के लिए वाईफाई आ गया गाइस, वाईफाई आ चुके हैं तो इट विल गेट गुड नाउ। सॉरी जो बीच में बीती हुआ था उसके लिए। अभी 2-2 मिनट लग जाएंगे। यहाँ पे किल शो की बात किया जाए तो अभी तक 0-10 HP के साथ सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। भाई मेरा जो मूड खराब हुआ ना वाईफाई जाने के बाद ही, रुक जाओ एक मिनट ठीक है। के लिए हमें देखने को नहीं मिला है क्योंकि ना या तो फिनिश अप हो चुके हैं या तो एग्जिट कर चुके हैं, वट एवर इट इज़। और यहाँ पे 13 बाप आईडी से शायद वही है ना मालिक पारस, पारस है शायद, ओके यहाँ पे पारस की तरफ से 1v2 का एक सीनरियो हमें देखने को मिला। अनुस की बात किया जाए तो अनुस के तरफ से इंडिविजुअली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कल के मैचेस में हमें देखने को मिला था, क्या यहाँ पे अनुस हमारे एक्सपेक्टेशन में उतर पाएंगे? तो लेट्स सी क्या यहाँ पे उसके द्वारा और काफ़ी क्लचेस हमें देखने को मिले। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द टीम्स, और यहाँ पे 7 इंडिविजुअल हमें देखने को मिला टॉप 6 टीम से, तो जो टीम 12 है उन लोगों के पास अभी तक के लिए मैन पावर है, तो देखते हैं एक बार ये टीम अपना मैन पावर कैसे अगेंस्ट में बाकी टीम्स के अगेंस्ट में यूज़ करते हैं। यहाँ पे आर्यन की हेल्थ की बात किया जाए तो उसके हेल्थ काफ़ी कम है अभी तक के लिए, एंड लूसीफर यहाँ पे अभी भी अपना स्पॉट होल्ड करके बैठे हुए हमें नजर आएंगे, बिल्कुल जोन के बीचों बीच है, उसको कहीं और मूव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिफान और पारस के बीच एक प्रॉपर 1v1 लॉन्ग रेंज वाला 1v1 का हमें देखने को मिला था, और इसी में सिफान एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। किल शोर की बात किया जाए VSS एंड स्कारल की काफ़ी एक डेडली कॉम्बो के साथ ये प्लेयर अभी तक सर्वाइव करे, तो मुझे उम्मीद रहेंगी कि आगे तक सर्वाइव करे। एक किल है, ही इज़ द लास्ट वन टू सर्वाइव फ्रॉम हिज टीम। और यहाँ पे वी हैव टॉप 5 टीम्स, दैट्स टीम 2, टीम 7, टीम 8, टीम 12 एंड टीम 14। लूसीफर हैव 4 किल इंडिया, 2 लूसीफर है क्या? अच्छा एक तो वो वाला लूसीफर था, ये वाला लूसीफर है, ठीक है गॉट इट, माय बैड गाइस। और जो भी यहाँ पे हो प्लीज़ अटेंडेंस लगा दो, एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट कि बहुत पहले स्ट्रीम पे दिक्कत हुआ क्योंकि वाईफाई चला गया था। अभी टीम्स की बात किया जाए तो अभी तक के लिए टॉप 5 टीम ही फिर से हमें देखने को मिला है, कोई भी चेंजेस टीम में आए नहीं, सारे टीम अपने अपने हिसाब से होल्ड करके बैठा है। यहाँ पे पारस बैठा है वॉच टावर लेके, उसको हाइट का जो एडवांटेज है वो काफ़ी मिलने वाला है उसे।
आर्यन की बात किया जाए, यहाँ पे टीम 12 के ऑलरेडी एक किल अपने खाते में ऐड कर चुका है। एंड साथ ही जय भी खेलते हुए नजर आएंगे, इसका नाम है जय है मुझे पता है बिकॉज ही प्ले क्लासिक विद अस, वैसे गेम वाला नाम तो मस्त है बंदे का बिच। ठीक है भाई, और यहाँ पे एक बार जोन के हिसाब से देखा जाए तो जोन में तो काफ़ी टीम आ चुके हैं, 2-3 टीम जोन के बाहर है। पारस यहाँ पे क्राउल करते हुए जोन के अंदर जाते हुए नजर आएंगे हमें, तो क्या यहाँ पे और एक टीम के एलिमिनेशन देखने को मिल सकती है। यहाँ पे किल्स और वी एस इसके साथ बैठे हैं तो वो भी थोड़ा सा खतरनाक सीन हो सकता है बाकी टीम्स के लिए, क्योंकि भाई क्वालिटी तो आ रहा है ना। मेरे को नहीं पता यार, मैं खुद देख भी नहीं रही हूँ क्योंकि मैं खाना खा रही हूँ। कुछ तो एक्शन दिखाओ ताकि मैं बोल सकूँ, कुछ बक बक तो कर सकूँ। क्या कर रहे हो आप लोग? और जिसको पता नहीं है, हैशटैग 1 में 30 रुपीज़ का होता है, हैशटैग 2 में होता है 20 रुपीज़ एंड हैशटैग 3 में 10 रुपीज़ के रिडीम कोड मिलते हैं आप लोगों को। और मान लो अगर आप अकेले जाके टीम के लिए हैशटैग 1 सिक्योर करोगे ना, तो आपके जो टीम में थे उसको भी हैशटैग 2 मिल जाएंगे। तो दोनों के देख लो, आराम से खेलो, ठीक है। एक मिनट गाइस, मैं तो अभी फ्री हो गई हूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है ना मेरी? भाई कोई चैट पे लिख तो दो कि हाँ भाई आ रही है आवाज़, कॉन्फिडेंट तो फील हो थोड़ा सा मुझे। ओके, आ तो गए होंगे। एक मिनट हाँ। और यहाँ पे टीम्स टॉप 5 टीम में से बहुत देर से हमें कोई एक्शन देखने को नहीं मिला, टीम्स आर स्टिल डूइंग देयर होल्डिंग। एंड यहाँ पे पारस के साथ एक फाइटिंग इसमें देखने को मिल सकता है, सामने ही बहुत सारे बंदे हैं और शायद स्टेज 4 तो आ चुके हैं, स्टेज 4 जोन आ चुके हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या ही होंगे, मतलब इससे ज़्यादा और क्या ही छोटे जोन बनेंगे क्विक मैच में। लेकिन यहाँ पे एक दो टीम के साथ ऊपर जो चल रहा है ना, उसका फुटप्रिंट पर इसको आ चुका है, बट यहाँ पे पूरा कोने में जोन रहेंगे तो ही विल हैव ए एडवांटेज अबाउट इट। भाई फाइट लो, तब तो मैं कुछ बक 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 कर चुकी हूँ। ओके, यहाँ पे टीम्स की बात किया जाए तो अभी एक बार जॉन व्यू से सारे टीम्स की सीनरी देख लेते हैं। टीम 12 के बंदे स्प्लिट होकर खेलने की कोशिश करेंगे, इसी के साथ अनुज के द्वारा एक 1v1 प्रॉपर 1v1 में डीबीएस के फतका पड़ते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे पायरस रह गया जोन के बाहर, अनुज की बात किया जाए तो उस बंदे पे जोन है अभी भी। ओके, जोन नहीं है, 12 मीटर जोन जाना पड़ेगा नेक्स्ट में, तो शायद यहाँ पे डीबीएस का फतका और फिर से किसी को पड़ सकते हैं, बट लेट्स सी। और यहाँ पे ये जो प्रॉपर 2v1v1v1 का सीनरी था वो बिल्कुल 1v1v1 में बदल चुके हैं, इसी के साथ पारस भी ख़त्म होते हुए। अनुज इज़ द
अनुज इज सर्वाइविंग विथ 2 kill और यहाँ पे वी हैव आवर टॉप 3 team दैट्स लूसीफर के टीम जो है एंड जय के टीम एंड अनुज के टीम दैट्स 7 team 12 एंड टीम 14. सो लेट्स सी. अरे हाँ ठीक है. अरे वो पहले ना पहले टाइम पे बहुत आगा स्ट्रीम ने क्योंकि मेरा वाईफाई चला गया था और अभी जस्ट आए हैं तो आई हैव टू फिक्स इट. ठीक है. और यहाँ पे भाई ओके ओके ये एक्चुअली जय के लिए बहुत ज़्यादा खराब थे. ओके यहाँ पे चिकन सिक्योर करते हुए नजर आएंगे बाद में जाके जो गन स्विच करके मारा ना काफ़ी अच्छा मारा. आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट. और यहाँ पे मैं स्ट्रीम चालू रखा और सब जाओ क्लब से जाके आईडी पास लो और जल्दी जल्दी नेक्स्ट मैच में ज्वाइन करो है ना. टाइम वेस्ट मत करो किसी के. ठीक है आ जाओ सब आ जाओ यहाँ पे फिर से मिलेंगे और नेक्स्ट मैच में अच्छे से करूँ मैं ट्राई करूँगी. इसमें ना थोड़ा सा वाईफाई का बीटी हो गया था तो दिमाग ख़राब हो गया था वही. हाय हाय हेलो एवरीवन. यार तुम लोग मैच ख़त्म होने के बाद आए हो सीरियसली लाइक सीरियसली. भाई नेक्स्ट मैच के बना लो फॉर रियल. ऋषि आएगी ऑनलाइन एस के रिक्वेस्ट में दो. आवाज़ ग्लिच हो जाते गेम के अंदर. माय नेम घोस्ट कम आए. ठीक है ठीक है. हाय वेलकम टू द स्ट्रीम एवरीवन. और यहाँ पे स्टैन ना मेरे दूसरे फोन में बहुत ज़्यादा नशा कर आज किसी को गाली दे रहा है भाई.
हेलो अर्निश, प्राइस क्या है? प्राइस 60 रुपीज़ ही है। प्राइस पूल हैशटैग 1 को 30, हैशटैग 2 को 20 एंड हैशटैग 3 को 1 जो सॉरी 10 जो यूजुअली होते हैं वही है। अगर आपको ज़्यादा मतलब मैं खेल सकती हूँ क्या? आप खेल सकते हो, पर अगर जीतोगे ना, अगर आप 10 यूजर नहीं हो तो आपको प्राइस पूल नहीं मिलेंगे। वही सीन है, खेल तो आप सकते हो, उसका कोई भीती नहीं है। रुको मैं आई 2 मिनट में गाइस, है ना?
हेलो 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 हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम एवरीवन, एंड वी आर बैक विद द नेक्स्ट मैच और द सेकंड मैच। और यहाँ पे बिल्कुल 20 आउट ऑफ 20 बंदे ज्वाइन हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा हार्ड लॉबी ही क्विक मैच के हिसाब से बने हैं। तो लेट्स जाके विक्ट्री हासिल करेंगे, कौन सी टीम बनेगी MVP। एक्चुअली यहाँ पे ओनली विक्ट्री काउंट होता है, तो आई होप यू गाइस ऑलरेडी नो दैट सिनेरियो। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि जॉर्ज स्कूल वाले काफ़ी अच्छा जोन आप लोगों को मिले हैं, तो इसके हिसाब से आप लोग आराम से खेलो और विक्ट्री के लिए खेलो। फाइटिंग इसमें काफ़ी अच्छे से हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि टीम वन यहाँ पे बिल्कुल जो स्क्वाड हाउस होता है वहाँ पे उतरते हुए नजर आएंगे, बट इसी के साथ टीम 11 भी यहाँ पे टीम 11 टीम 3 की बात किया जाए, टीम 11 एलिमिनेट हो चुके हैं। टीम 3 इज नॉट सर्वाइविंग विद टू मैन स्टैंडिंग एंड टू किल। और यहाँ पे सामने हॉस्पिटल में और काफ़ी टीम हमें देखने को मिलेंगे, शॉर्ट गन के एक सीनरियो देखने को मिलेंगे क्या यहाँ पे, और एक टीम के एलिमिनेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स सी, मिल जाए तो अच्छी बात है, देखने को मिलेंगे ज़्यादा टोपीबाज, ये तो न्यू प्लेयर से ये लोग लगता है मुझे। ओके, यहाँ पे काफ़ी टीम्स के एंगेजमेंट हमें स्कूल में ही देखने को मिला है। टीम 6 भी स्कूल के आसपास ही अपना एसेंशियल लूट करते हुए नजर आएंगे। M249 एंड M4 का एक काफ़ी अच्छा ये मिस्टर सेक वाइटी के पास है। और हॉस्पिटल वाले टीम्स की बात किया जाए, टीम 13 है यहाँ पे, टीम 9 है एंड टीम 3 भी है। सो लेट्स सी, स्टैंड पे मुझे कुछ क्या क्लब क्यों नहीं दिख रहा। ओके, यहाँ पे टीम 13 एंड टीम 3 की फाइटिंग इसमें की बात किया जाए, तो टोपीबाज भाई तो बिल्कुल बीच में फंस चुके हैं, तो क्या यहाँ पे उसकी तरफ से एक प्रॉपर 1v2 का सिनेरियो हमें देखने को मिलेंगे। मुझे खुद का क्लब नहीं दिख रहा आज। हाँ, दिख के अच्छी बात है। यहाँ पे और कोई भी फाइटिंग गेम्स में अभी तक के लिए तो देखने को नहीं मिला है, बट शायद टीम 9 के लूसीफर के ऊपर एक यहाँ पे कनेक्टिविटी जा सकते हैं। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे टीम 3 के द्वारा और एक फाइटिंग गेजमैन की कोशिश किया जाएगा, और इसी के साथ साथ बाकी जगह पे भी काफ़ी फाइटिंग गेजमैन हुआ है, बट मैं ये फाइट आराम से दिखाना चाहती थी। तो बाकी अगर कहीं पे फाइट मिस हुआ है तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। यहाँ पे घोस्ट की बात किया जाए तो घोस्ट शायद ऑफेंड हो गया था, कल मैंने बोला कि घोस्ट भाई की वोट बना दिया, तो उसने मेरे पास क्लब में बोला कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो ठीक है भाई मुझे नहीं पता, वो ऑफेंड हो गए होंगे। यहाँ पे टीम 7 की बात किया जाए तो टीम 7 की अनिश ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं नॉक एंड फिनिश प्रॉबेबली। तो यामिन गेमर वाइटी जो सेट SC के भाई है यहाँ पे खेलते हुए अकेले नजर आएंगे। एंड टीम की बात किया जाए जिस टीम को, ओके यहाँ पे टीम 8 के द्वारा और एक नॉक एंड फिनिश यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। जय की बात किया जाए जिसका नाम है बिच, ओके यहाँ पे बाकी टीम्स की बात किया जाए तो काफ़ी टीम्स के फाइट एंगेजमेंट मैंने मिस किया होगा, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आवाज़ वगैरह आ रही है ना ढंग से, मेरे को बता देना एक बार, ठीक है। और यहाँ पे घोष भी YouTube क्रेविल वाले टीम के साथ फाइट एंगेजमेंट लेते हुए नजर आएंगे। एंड टीम 2 एंड टीम 7 यहाँ पे टीम 10 एंड टीम 2 के काफ़ी अच्छा फाइट एंगेजमेंट हो चुका है। उसमें बाइजन और वेक्टर के अगेंस्ट, मतलब बाइजन के अगेंस्ट वेक्टर उसी में शौक किया ना, तो मुझे कोई बोलने का मतलब बचा नहीं है कुछ, बट ठीक है, बट एक बार देख लेते हैं SP का क्या सिनेरियो है। यहाँ पे क्रेपिल ऑलरेडी नॉक है, तो
इसी के साथ एसके वाला टीम भी नॉकआउट एंड फिनिश होते हुए नजर आएंगे। घोष ने बिल्कुल वोट ही बना दिया। अगर ठीक है भाई, ये लाइन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तो यूज़ करूँगी। आप लोग ओपन हो या ना हो मुझे क्या। ओके भाई, बाकी टीम्स की बात किया जाए तो बिच की भाई लॉल, ये तो मैं बोल ही नहीं सकती इसे। किल चोर की बात किया जाए तो शायद कौन से टीम में है मैंने अभी तक तो देखा नहीं। टीम 9 की बात किया जाए हॉस्पिटल में देखने को मिलेगी। यहाँ पे टीम 12 MF स्कॉर्पियन एंड अनुज की बात किया जाए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अनुज ने लास्ट मैच में भी दिखाया था, कल भी इंडिविजुअली काफ़ी अच्छा खेला था, तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट। और यहाँ पे टीम 10 एंड टीम 8 के बीच एक फाइटिंग इसमें हमें फिर से देखने को मिल सकते हैं। बाकी टीम्स की बात किया जाए तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे सारे टीम्स अपना एसेंस लूट एंड लूट करते हुए नजर आएंगे। डीमन के साथ कौन खेल रहा था, रवन पोस्टर। ओके, यहाँ पे घोष निगर्स एंड पारिस वाली टीम की बात किया जाए तो नॉर्थ सिटी से अपना एसेंशियल लूट करते हुए टीम की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। टीम 10 की बात किया जाए, टीम 8 के काफ़ी आस पास हमें ये टीम देखने को मिलेंगे। लूसिफर वाली टीम की बात किया जाए तो यहाँ पे टीम 8 को शायद स्पॉट कर चुके हैं। 6X एंड M16 के द्वारा कनेक्ट करने की कोशिश किया जाएगा, सो लेट्स वेट। और यहाँ पे लूसिफर को कर दिया गया है नॉक। यहाँ पे शायद दो लूसिफर हैं इस बार भी। ओके, ये वाला लूसिफर हुआ है। और यहाँ पे जय के ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हुए बट कोई भी टीम का डायरेक्ट स्लैम तो अभी तक देखने को नहीं मिले, क्योंकि गाड़ी वाड़ी लेके तो आप खेल नहीं सकते, तो थोड़े से स्लो मैचेस और स्लो दिखाना पड़ता है। एंड यहाँ पे टीम 12 के ऊपर भी स्पॉट आ चुके हैं, ऑलरेडी स्पॉट करके बैठे हैं, बस फाइट लेने की देरी है। तो क्या यहाँ पे आवाज़ आ रही है ना, रिस्पॉन्स ने कम की है देखिए, देखने जाते हो अच्छी बात है वैसे ये। तो घोष की बात किया जाए, इंडिविजुअली 2 किल अपने खाते में ले चुके हैं M4 एंड UMP के काफ़ी डेडली कॉम्बो के साथ खेलते हुए ये प्लेयर भी हमें नजर आएंगे। वी हैव 16 इंडिविजुअल एंड 8 टीम, तो इसके हिसाब से सारे टीम टू में ही सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 7, टीम 11 एंड टीम 13 ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। और यहाँ पे और एक टीम के एलिमिनेशन हमें देखने को मिला। एंड पता नहीं मैंने कैसे यार, एक बार बताओ मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के ना जो नेम थे वो ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे कि मिस्टर सेक्वाइटी के देख लो। ओके, उसने भी सेक्वाइटी नहीं मारा था, ठीक है कोई बात नहीं। M249 एंड बाई जानकी भाई, 2 LMG लेके घूम रहा बंदा, मतलब बोला तो जा सकते कि 2 ही LMG है ये। और बाकी टीम्स के भी एक बार देख ही लेते हैं, ऑलरेडी इंडिविजुअली 2 किल के साथ, 4 टीम किल के साथ ये टीम 6 आगे जाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे टीम 8 के जय हो चुके हैं नॉक पारस के द्वारा। और यहाँ पे लूसिफर के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हुए नजर आएंगे, घर सीन्स करके उसको बचाने जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे एम स्कॉर्पियन की बात किया जाए तो उसके तरफ से भी हमें थोड़ा सा एक्शन आते हुए नजर आएंगे। ही हैव 3 किल इंडिविजुअली नाउ, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। AKM एंड UMP के कम्बो हमें देखने को मिलेंगे और जॉर्ज पूल के सिटी के अंदर ताकि ये है ना, तो ओके 6 टीम है, तो अब टॉप 6 टीम हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, दैट्स टीम 5, टीम 6, टीम 8, टीम 9 एंड टीम 12 एंड टीम 14। तो प्लीज़ लेट मी नो, अगर उनमें से कोई टीम यहाँ पे देख रही हो तो मुझे लेट मी नो कि सब ठीक है ना, हम लाइक स्ट्रीम वगैरह ठीक चल रहे हैं ना। आप लोग यार चुप इतना चुपचाप के देखते हो और मुझे ऑकवर्ड और फील होता है। और यहाँ पे काफ़ी टीम्स के ऊपर फिर से नॉक एंड फिनिश का सिनेरियो बनते हुए हमें देखने को मिलेंगे जोन सिंक होते ही। और यहाँ पे निंजा गॉड वाइटी हो चुके हैं नॉक एंड फिनिश, वो निंजा गॉड वाइटी की तरफ से इंडिविजुअली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें लास्ट मैच में देखने को मिला था। और यहाँ पे अनुज की तरफ से भी एक नॉक एंड फिनिश हमें देखने को मिला है, सर फिनिश तो देखने को नहीं मिला बट नॉक तो हुआ था। और यहाँ पे MF स्कॉर्पियन की बात किया जाए तो उसकी तरफ से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ 3 किल। और यहाँ पे
एनडीपी को हो चुका है नॉक। ये वाला जो 1000 है वो हॉस्पिटल की तरफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जोन गेट जैसा सीन हो चुका है हॉस्पिटल वाले प्लेयर्स के साथ। बट अभी तक जोन गेट की नहीं बोल सकते क्योंकि जोन गेट की तो हुआ नहीं, बट यहाँ पर रिवाइव देने के बाद इंस्टेंट चेंज किया जाएगा सिनेरियो। एंड यहाँ पे स्कॉर्पिन की तरफ से ग्लेशियर के साथ समकाते हुए नजर आएंगे, हम इस गेल फील्ड में भी आ ही रहे थे तब से। एंड यहाँ पे डक्स की बात किया जाए तो बैग्स डक्स एक अलग सा थ्री स्टोरी में बैठ के अपना सिंसियल लूट के साथ बैठे हुए हमें नजर आएंगे। टीम सिक्स की बात किया जाए तो 5 किल ऑलरेडी इस टीम के पास आ चुके हैं। एंड यहाँ पे सर कोई है कि नहीं ये स्पॉट करने की कोशिश किया जाएगा। टीम सिक्स के बिल्कुल सामने टीम नाइन भी हमें देखने को मिलेंगे, जो लूसीफर 100,000 की टीम है। और यहाँ पे अगर टीम एट की बात किया जाए तो येलो लूसीफर भी अपना एसेंशियल लूट के साथ बैठा हुआ है। एंड बीच के पास ऑलरेडी एक मतलब जय के पास ऑलरेडी एक किल है। और यहाँ पे पारस वाले टीम की बात किया जाए तो सामने जो ऊपर वाला सामने जो ब्लू हाउस है वहाँ पे अपना कैंप या होल्ड करते हुए नजर आएंगे। कैंप तो नहीं है, फिर आप लोग फिर ऑफेंड हो जाओ पता चले। और यहाँ पे अनुस के साथ जो टीम में थे उसका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। अनुस भी इंडिविजुअली काफ़ी अच्छा खेलता है जितना मैंने देखा है। और यहाँ पे कोसनिगस एंड पारस भी अपना लोकेशन सेंस करने के बाद जोन जाना चाहेंगे। 100 मीटर जोन से दूर है तो जोन जाना ये टीम के लिए। बट यहाँ पे निगास हो चुके हैं स्पॉट, ऑब्वियस बात है स्पॉट हो ही जाएंगे, बंदे कम हैं तो दिख जाता है, कोई भी अगर क्रॉस व्रॉस करता है तो दिख जाता है, अच्छे प्लेयर्स को तो दिख ही जाते हैं। आज डीमन खेलने आया तो अच्छा आया तो था वो, ठीक है। वी हैव 10 इंडिविजुअल एंड 6 टीम। और यहाँ पे टीम्स की बात बोला जाए तो यहाँ पे सेक हुआ थी अपना जो टीममेट है किल चोर को खो चुके हैं अभी तक। और यहाँ पे फाइटिंग एंगेज में लेने की कोशिश रहेंगे उसकी तरफ से। और यहाँ पे टीम 9 एंड टीम 6 के बीच एक आमने सामने का फाइट एंगेजमेंट हमें देखने को मिला है। अगर ये नेट वगैरह काम कर जाता है भाई यहाँ पे शायद ओके काफ़ी अच्छा डैमेज तो दे दिया। बट अभी तक के लिए फाइट एंगेजमेंट का एंगेजमेंट तो हो चुका है, डैमेज भी दे चुके हैं। बट किसी का एलिमिनेशन देखने को नहीं मिला, शायद बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ओके। और इसी के साथ टूकू के ये नेट के साथ ही इस वाले टीम के भी सफ़र इसी हद तक ख़त्म होते हुए नजर आएंगे। और अभी बाकी टीम की बात किया जाए तो टीम 14 काफ़ी अच्छे पोजीशन में है। यहाँ पे टीम 8 एंड टीम 12 की एक फाइट एंगेजमेंट देखने को मिल सकती है। टीम 8 की बात किया जाए तो जोन से 75 मीटर दूर है, बट या एट की बात किया जाए तो सामने हमें टीम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जय थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे लूसीफर की रेट भी काफ़ी कम है और इसी के साथ स्कॉर्पिन भी नॉक एंड फिनिश होते हुए लूसीफर को फिल करने की जरूरत है। तो गेम के बाहर है तो यहाँ पे ओके यहाँ पे ओके यहाँ पे अजय ने उसको बचा तो लिया भाई। प्रॉपर 1v2 निकाल सॉरी 1v2 निकाल रहे बंदा। और बात यहाँ पे इसको रिवाइव देना भाई, ये बहुत बड़ा गलती था एक्चुअली जय का, क्योंकि उसने उसके पास ना ही क्या ज़रूरत था, मतलब क्या मजबूरी रही होगी भाई। और यहाँ पे हैशटैग 1, 2 एंड 3 टीम ऑलरेडी मतलब टॉप 3 टीम मिल चुकी है। दैट्स टीम 5, टीम 9 एंड टीम 14। यहाँ पे डग्स तब से भाई इस बंदे में इतना ज़्यादा पैसेंस है ना, मैंने देख लिया इतना ज़्यादा आराम से तब से बैठ के खेल ले ना, कोई मतलब प्रॉब्लम भी नहीं है। और यहाँ टूकू की बात किया जाए तो इंडिविजुअली सारे किल के साथ काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ खेल रहे। लूसीफर 1000 की बात किया जाए, एक किल उसके पास भी है। यहाँ पे पारस के पास एक किल, नेगस के पास कोई भी किल नहीं है, बट आई थिंक आगे जाके मिल जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली विक्ट्री काउंट होता है, किल का कोई सीन है नहीं। 5 इंडिविजुअल टॉप 3 टीम और अभी तक के लिए कोई भी टीम का हैशटैग 1, 2, 3 सिक्योर तो नहीं हुआ है। सो लेट्स सी यहाँ इसके आगे जाके क्या सीनरी रहेंगे प्लेयर्स की। और आप लोग जो भी होंगे ना, आप लोगों को अगर कोई इशू होगा तो स्पोर्टिक भाई के क्लब पे जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे सारी इन्फो। और इसका विनर भी वहीं पे जाके आप लोग विनर सबमिट कर सकते हो, ठीक है।
और अभी तक के लिए आप लोग देख लो एक बार व्यू, बट आज रेस्पॉन्स काफ़ी कम है। दीमन ने मेरे को बोला था, मैं अपने भाई दीमन तुमने धोखा दिया, आज थोड़े से रह गया। क्या थोड़े से रह गया यार, तुमने जो वहाँ पे जाके उसको रिवाइव देने का कोई मतलब ही नहीं बनता जय, उस पर कोई रिवाइव देने का मतलब नहीं बनता। लास्ट सेकेंड लास्ट जोन में कौन रिवाइव करता है बाहर बैठ के, बताओ। खुद के पास पर्सते थे वो मार के जा सकते थे ना सामने, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे टीम 9, टीम 5 एंड टीम 14 की बात, एंड यहाँ पे इट्स ए प्रॉपर 2v1 सीनरियो। सो बोलना तो मुश्किल है कि कौन सी टीम यहाँ पे #1 या #2 आएंगे, बट लेट्स सी। यहाँ पे जो सोलो बंदा है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकता है दोनों ही टीम के ऊपर। सो वेट करते एक बार और यहाँ पे दोनों ही टीम के। हाय म्यूकी, हाय शांत, हाय हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आवाज़ आ रही है ना मेरी? और यहाँ पे जोन लगने इसके बाद ही जो लास्ट जोन है ना वो आ जाएंगे, बट अभी तक के लिए प्लेयर्स की बात किया जाए तो काफ़ी पेशेंस के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। भाई इतना ज़्यादा अगर शांति से मैं खेल सकती थी ना, मैं बहुत अच्छी मैं नकेत कर लेती अब तक, बट मेरे में बिल्कुल भाई इतनी छूल मचती है ना जब मुझे पता होता है कि सामने वाला बंदा यहीं पर है, वो घुस के जाना होता है वहाँ पर मारने। बट यहाँ पर इतना ज़्यादा शांति के साथ प्लेयर्स खेले तो मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है भाई, स्पोर्ट्समैनशिप तो है सब में। यहाँ पे नेगस एंड लूसीफर लूसीफर वाले दोनों ही टीम की बात किया जाए तो जोन लगने वाले हैं, और अब जाके जो भी गान फाइट जीतेगा या जिसका भी सीन होगा वो ही जीतेंगे, मैं तो यही बोलना चाहूँगी। ओके यहाँ पे पारस वाले टीम को ज़्यादा एडवांटेज मुझे लग रहा है, और यहाँ पे डक्स वाली टीम भी इंपैक्ट प्लेयर बन सकते थे मैंने बोला था, और इसी के साथ पारस वाली टीम को ही चिकन मिलते हुए नजर आए हैं। एंड कंग्रेचुलेशंस टू दिस टीम। और यहाँ पे डक्स को #2 मिलेंगे, ठीक है, बैग्स डक्स जो भी है। और सर श्रुति के वाले क्लब में भी कराना है या नहीं स्ट्रीम में, एक बार पूछ के आती हूँ। रुको